सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, एलआर सर्किट इज शोन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की. तो यहाँ पे की दी हुई है आपको, तो अगर अपन इस की को लॉन्ग टाइम तक क्लोज करते हैं तो ये सर्किट पूरा रहता है आपका. और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है, इंडक्टर किसके जैसे बिहेव करता है, एक वायर के जैसे बिहेव करता है. और टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे कैसे बिहेव करता है, एक ओपन वायर के जैसे, या ओपन सर्किट भी बोल सकता हूँ. ठीक है, तो इंडक्टर को हटा के एक वायर लगा दी, तो सर्किट में करंट कितना होगा, नेट ईएमएफ यानी कि 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 24, तो 1/2 एम्पियर का होगा. तो हमको एनर्जी स्टोर निकालनी है उस सिचुएशन में. एक्चुअल में तो इंडक्टर लगा हुआ है ना, गायब तो नहीं हो गया. उस सिचुएशन में जो इंडक्टर में एनर्जी होगी वो होगी हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर. आई नॉट मतलब जो मैक्सिमम करंट होगा, तो हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, एल की जगह 100 × 10⁻³, क्योंकि आपको मिली हेनरी की बना है, इनटू आई नॉट का स्क्वायर दैट इज 1/4. सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मिली जूल्स. थैंक यू.